Welcome to e-lecture on types of business ownership part 4. Business tip ownership ke part 1, 2 and 3 mein humne kramashah sole proprietorship, partnership aur joint stock company se sambandhit discussion kiya tha. Aaj is part 4 mein e-lecture 6 ke madhyam se business ownership ke agle टाइप कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन अथवा स्वचालित के संबंध में अब फोकस रहेंगे. कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन अर्थात सहकारी संगठन या समितियां, यह एक प्रकार की स्वैच्छिक एवं लोकतांत्रिक स्वामित्व है जो जीवन की प्रतिदिन की आवश्यकताओं को बाजार दर से कम दर पर प्राप्त करने हेतु बनाए जाते हैं. इनका उद्देश्य लाभ को विलुप्त करना होता है. सहकारी संगठन में निगम के समान शेयर होल्डर्स, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स तथा चुने हुए अधिकारी होते हैं. सहकारी संगठन के विभिन्न प्रकार. प्रथम प्रकार, उपभोक्ता सहकारी समितियां, जो कि सामान्यतः खुदरा व्यापार एवं सेवाओं में देखने में आती हैं. इसका एक बहुत ही कॉमन एग्जाम्पल है नागरिक या उपभोक्ता सहकारी भंडार. द्वितीय प्रकार, उपभोक्ता उत्पादक सहकारी समिति. इसमें अंतर्गत समूह में वस्तुओं को खरीदा जाता है एवं फिर बेचा जाता है. इसका एक बहुत ही साधारण एग्जाम्पल डेयरी है. तीसरा प्रकार, सहकारी कृषि. इसके अंतर्गत खेतों से अधिक एवं अच्छी गुणवत्ता प्राप्त करने के लिए संगठन इस प्रकार का बनाया जाता है. गृह निर्माण सहकारी समिति. किसी भी एसोसिएशन के सदस्यों को तुलनात्मक रूप से कम दरों पर गृह निर्माण कर उपलब्ध करवाना इस प्रकार की समिति का उद्देश्य होता है. कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी. यह जरूरतमंद व्यक्तियों को ऋण उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से बनाई जाती है. सहकारी संगठन के लाभ. प्रथम, जीवन की प्रतिदिन की आवश्यकताओं को कम दर पर उपलब्ध करवाना. द्वितीय, यह स्वामित्व को लोकतांत्रिक प्रकार है. तृतीय, तीसरा, ऊपरी व्यय कम हो जाता है क्योंकि सहकारी संगठन के सदस्य अवैतनिक अर्थात ऑनरी सेवाएं देने के लिए जनरली तैयार होते हैं. अगला लाभ है, यह सहयोग, आपसी मदद एवं स्वयं की मदद को प्रोत्साहित करती है. पांचवा लाभ, लार्ज स्टॉक होल्डिंग और ब्लैक मार्केटिंग जैसी समस्याएं ऑलमोस्ट इसमें नहीं रहती है. कोई एक व्यक्ति बहुत बड़ा लाभ नहीं बना सकता है. अगला लाभ, सरकारी संगठन से आम आदमी को लाभ होता है. नेक्स्ट, सरकार से धन की सहायता ली जा सकती है. इसके अतिरिक्त सामग्री सीधे निर्माता से क्रय की जा सकती है तथा इसीलिए कम दरों पर बेची जा सकती है. एक बार फिर इस पे डेयरी का एग्जांपल बहुत कॉमन रूप से सामने आता है क्योंकि विभिन्न जो दूध बनाने वाले उत्पादक किसान या और कोई भी जो लोग होते हैं उनसे डेयरी सीधे सामान परचेज करती है और उसका प्रोसेसिंग करके उसके बाद में उसको सेल करती है. सहकारी संगठन के अलाभ अथवा हानियाँ. चूँकि समिति के सदस्य संपूर्ण कार्य देखते हैं, ऐसी संभावना है रहती है कि वे बहुत बड़ी सफलता हासिल करने के लिए सक्षम नहीं हों. दूसरा अलाभ, वित्त सीमित होता है अतः विशेषज्ञ सेवाएं नहीं प्राप्त की जा सकती है. तीसरा लाभ, उत्तरदायित्व को बांटने तथा अधिकारों के उपयोग के संबंध में सदस्यों के मध्य कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है. चौथा लाभ अलाभ यह है कि जो सदस्य पदों पर होते हैं वे लाभ लेने का प्रयास कर सकते हैं. पांचवा लाभ यह है कि सदस्य विभिन्न सेवाओं में होते हैं, इसलिए संभव है सहकारी संगठन को वह अति आवश्यक ध्यान न दे सके हैं. थैंक यू.